हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का कोई खास विकास व उत्थान नहीं हो सका है, जिनके शासनकाल को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस संदर्भ में मैं यहाँ विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से यहाँ के राजस्थान प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं तो उसे यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियाँ प्रभावहीन बनाने में व इसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में लंबे अरसे तक जहाँ राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी के केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है।